Assalamu alaikum. I hope you all are fine. In today's lecture, we will construct angle of 75 degrees with the help of compass and protractor. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पे अपनी चॉइस से कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर एक लाइन लेते हैं. ठीक है, और इस 4 सेंटीमीटर लाइन के लिए हम एंगल प्रॉपर देख रहे हैं, तो एंगल इसी पे हमें ड्रॉ करना है. ठीक है, तो अगर हमें इस पे एंगल ड्रॉ करना है तो अब हम प्रोटेक्टर ले लेते हैं. ठीक है, हमेशा प्रोटेक्टर से वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए ना, आपने हमेशा ये जो लाइन है ना, इस लाइन को आपने यहाँ पुट करना होता है. ठीक है, लाइन को यहाँ पे पुट करने के बाद अब आप ऐसा करें, 75 एंगल देखें. ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफायर आपको दिखा देती हूँ कि 75 एंगल कहाँ आएगा. ये देखिए, ये 70 है, तो 70 से नेक्स्ट 5 लाइन्स आपने कंसीडर करनी है. तो ये लाइन जो आपको दिख रही है ना मिड में, यहाँ पे 75 एंगल बनेगा. ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि 75 के लिए जस्ट पॉइंट मार्क कर लेते हैं. ठीक है, तो 75 डिग्रीज के लिए आप पॉइंट मार्क करें तो एंगल विल बी हियर. ठीक है, यू कैन सी अगेन 75. ठीक है, मैंने जस्ट एंगल को लोकेट कर लिया. एंगल को लोकेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करनी है इस फॉर्म में. ठीक है, तो दिस इज ओ, दिस इज ए फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज बी. ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये हमेशा 75 डिग्रीज के इक्वल ही होगा. ठीक है, अब हम इसी एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपस. ठीक है, तो सबसे पहले हम रैंडम एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं. इट्स अप टू यू, आप जितनी मर्जी लाइन एक्सटेंड करें. ठीक है, मतलब ये आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप जितनी मर्जी लाइन ड्रॉ करें. अब लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट वर्किंग ये होगी कि आप ओ ए इसको मार्क कर दें. ठीक है, अब आपने विद द हेल्प ऑफ कंपस सारी वर्किंग करनी है. ठीक है, तो कंपस से सेम आपने क्या करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं. आप यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस ओपन हो सकता है कंपस का, वो आप ओपन करें. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 2.3 आ रहा है, लेकिन आप जब करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो आप देखिएगा कि आपके पास सिंपल 1.5 तक भी ओपन हो जाता है. ठीक है, अब आप क्या करें, ओ पॉइंट पे रखें, और ओ पॉइंट पे रखने के बाद यहाँ पे एक हाफ मून ड्रॉ कर लें. ठीक है, यू कैन से दैट सेमी सर्कल. ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें. सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर आपने इसी कंपस को मूव करना है और इस पॉइंट पे लेके आना है. ठीक है, नीडल को इस पॉइंट पे लेके आना है. लाने के बाद आपने यहाँ एक आर्क मार्क करनी है. ठीक है, जो आपने आर्क मार्क करनी है ना, उसको आप मार्क कर दें, यहाँ आर्क आ रही है. ठीक है, फिर आप अगेन कंपास को यहाँ से उठाएं और इस पॉइंट पे मूव करें. मूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने इस पॉइंट से यहाँ एक आर्क मार्क करनी है. ठीक है, यहाँ आर्क मार्क करने के बाद ना, अब ये जो दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं ना, मतलब एक पॉइंट ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट ये वाला पॉइंट आ रहा है, इन दोनों पॉइंट्स पे रख के आप नेक्स्ट आर्क्स अगेन लगाएं. ठीक है, जब आप नेक्स्ट अगेन आर्क्स कंसीडर करेंगे ना, यू कैन सी हियर एक आर्क कुछ इस तरह से आएगी, और फिर आपने यहाँ आर्क कंसीडर करनी है. ठीक है, तो जो नेक्स्ट आर्क है वो यहाँ आएगी. ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपने, मतलब जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं, बेशक आप इनको रेज कर दें. ठीक है, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपने पॉइंट ही ट्रेस करना था, तो पॉइंट हमने ट्रेस कर लिए. ठीक है, आप क्या करें कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, जरा इसको हम विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है, हम विद द हेल्प ऑफ रूलर इसको प्रॉपर जॉइन करते हैं. ठीक है, लेकिन मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि ज्वाइनिंग में कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप इस 90 एंगल को मार्क ना करें. ठीक है, फुल ना मार्क करें, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है. हमने सिर्फ सेमी सर्कल का पॉइंट गेस करना है. तो इन दोनों पॉइंट्स को ना ज्वाइन करते हुए, ये देखें, आप यूं ज्वाइन करते हुए आपने सिंपल एक लाइन कंसिडर करनी है, डेट विल बी हेयर, जो सेमी सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर ले. ठीक है, सिंपल एक हल्की सी लाइन आप यूं करके लगा लें, और इस पॉइंट को मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, हेयर इज द पॉइंट.
ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना सेमी सर्कल और इस लाइन का, उसको मार्क करते हैं। ठीक है, मार्क करने के बाद अब हमने क्या करना है, मजीद कंपस को ही इस पॉइंट पे लेके आना है। ठीक है, क्योंकि हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है ना, 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए आप कंपस को लेके आए इस पॉइंट पे और एक आर्क मार्क कर दें। यू कैन सी हियर, मैंने आर्क रेड पेन से मार्क किया है। ठीक है, फिर आप इसको इस पॉइंट पे लेके आए। ठीक है, और इस पॉइंट पे लाने के बाद आपने अगेन एक आर्क मार्क करनी है, और वो आर्क जो है वो प्रीवियस आर्क को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, बेसिकली आपने वो पॉइंट ट्रेस करना है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आपको लगे कि वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो आप बेशक उनको मजीद मतलब प्रीवियस पॉइंट पे जाके एक्सटेंड कर लिया करें। ठीक है, जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं हम इन आर्क्स को रेज कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं होंगी। तो ये देखिए, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स को रेज कर रही हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स को रेज करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, ओ पॉइंट के साथ इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये जो एंगल आ रही है 75 डिग्रीज के इक्वल है। ठीक है, अब देखें, आपने हिंट ये याद रखनी है कि जब आपने 75 का एंगल बनाना है ना, इट विल बिटवीन 60 एंड 90। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपने क्या करना है, 90 का एंगल बनाना है, बट 90 फुल को ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ सेमी सर्कल पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसको ट्रेस किया। ठीक है, उसके बाद फिर ये 90 वाली आर्क या 90 वाला जो पॉइंट है सेमी सर्कल पे वहां, और 60 इन दोनों पे रख के आपने आर्क्स लगानी है, जहां पे आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही है, दैट एंगल इज बेसिकली 75 डिग्रीज हियर। ठीक है, तो हमेशा वर्किंग को शो करते हैं इसी मेथड से, और फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आप 90 बनाएं। ठीक है, उसके बाद फिर आप याद रखें कि एंगल विल बी विल बिटवीन 90 एंड 60 डिग्रीज हियर।